Mais acá. No sé si eso es lo que dice, pero puedo darle que era esto, de charabia. Salvador. Debbie, chalo de esta. Chalo. Nani, don't leave. Nani, cajana, chalo. किस तरह बात कर रहे हो उससे? दीदी है तुम्हारी? दीदी है जब भी तो ये कह रहा हूँ, चलो। क्यों जाऊँ आपके साथ? बेइज्जत होने के लिए या मारपीट के लिए? अब निकल जाए, मैं नहीं जाऊंगी। क्या कहा तुमने? क्या इसी तरह मेरे साथ चले, वरना वरना क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे आप? जबरदस्ती ले जाऊंगा और देखता हूँ कौन आता है बीच में। चलो चलो मेरे साथ। देखिए आप बीच से हट जाइए, ये हम दोनों का मामला आप पढ़ जाए। ये तुम दोनों का मामला नहीं है, समझे तुम? क्या समझते हो तुम? जब जी चाह आए मारपीट कर ली उसके साथ। आप सबके तो तेवर ही बदल गए। कान खोलकर सुन ले, मैं कानूनी तौर पर इसका मियां हूँ, जब चाहूँ इसे ले जा सकता हूँ, बीवी है मेरी। चलो देखो महमूद, इस वक्त तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम इसको नहीं ले जा सकते, चले जाओ यहाँ से फौरन। मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अकेला नहीं जाऊंगा, इसे साथ लेकर जाऊंगा। क्या खड़ी देख रही हो? चलो मैंने कहा है मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। रिश्ता भी कोई रिश्ता होता है? अगर तुम चाहती हो कि पूरा मोहल्ला ये तुम्हारा तमाशा देखे तो ठीक है, खींच के जबरदस्ती ले जाऊंगा तुम। चलो आप चलो इसे अंदर कैसे आ तुम? देखो एक दफा तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर लिए, बार बार नहीं करूंगा मैं। दोबारा हाथ उठाने का सोचना भी नहीं, दफा तुम्हारी जान ले लूंगा, केस कर दूंगा आप सत्ते। जबरदस्ती पकड़ के रखा है मेरी बीवी को, ये धमकियां किसी और को जाके देना। चल रही हो तुम? मैंने कह दिया मैं उस घर में वापस अब कभी नहीं जाऊंगी। देख लूंगा तुम सबको, तो मैं भी देख लूंगा, देख लूंगा मैं। फारूक को पुलिस के हवाले करके ताकि वो साबा के कत्ल के बारे में पूछते उससे। आपने उसका इलाज शुरू कर दिया और क्या करती? वैसे ये भी किस्मत ही है कि वो खुद हमारे सामने आ गया, वरना हम तो उसे पता नहीं कब तक ढूंढते रहते। इतना बड़ा मरहला तय हो गया। देखो बस जरा सा इंतजार कर लो, वो जरा ठीक हो जाए और बोलने के काबिल हो जाए फिर। पापा मुझे शख्स से कोई हमदर्दी नहीं है, उसकी वजह से मेरी बहन की जान गई है, उसका इससे भी बुरा असर होना चाहिए। एक बात मत भूलो, सभा का शोहर होने के अलावा हमारा मरीज भी है, हमें उसका ख्याल करना पड़ेगा। ये मुझसे नहीं होगा, आप मुझे उससे एक बार मिलकर बात तो करने दें, शायद कुछ पता चल जाए। देखो मैं नहीं चाहती कि वो वक्त से पहले खबरदार हो जाए, अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तुम्हारे दिमाग में बात नहीं आती, पता नहीं फिर क्या करना चाहिए। हम चुप बैठे रहे, उसके सेहतयाब होने का इंतजार करें ताकि वो फिर गायब हो जाए, सभा की मौत का राज राज रहे। इसी जज्बातीपन की वजह से मैंने अभी तक जेबी को भी नहीं बताया, वो भी आकर मेरी बेवकूफी की बातें करने लगेगी। ये मामला पुलिस के सामने जाना चाहिए ताकि दोबारा तहकीकात शुरू हो। 7 बरस के बाद तहकीकात अचानक नहीं शुरू हो सकती, हमारे पास न कोई सबूत है न कोई गवाह है, तुम्हारी तो अकल में ही आता। काश सभा बाजी खुद आकर गवाही दे सकती। देखो हकीकत की दुनिया में ऐसी बातें नहीं होती, और वैसे भी ऐसी गवाही की कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है। मैंने अभी तक अम्मी को भी कुछ नहीं बताया है, आप जेबी को तो कुछ बता दे प्लीज, शायद उसके जहन में कुछ हो, शायद वो कुछ कर सके। हाँ जेबी को मैं बता दूंगी, उसे तो अभी तक ये भी नहीं मालूम कि जो शख्स फारूक को लेकर आया है उसका अपना भाई। मैं तो महमूद को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था, मैं तो डर गई थी, जब जुनूनी लग रहा था। ये टेलीफोन घर में किस लिए? स्टोर पे मुझे एक कॉल करती मैं आ जाता, फिर ये ड्राइव बजी कभी ना होती। वो अली आ गया था, उसने मामले को संभाल लिया, वरना तो हम मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। क्यों? क्या मोहल्ले वाले हमें जानते नहीं है? एक अरसे से हम यहाँ रह रहे हैं, वो हमारे ही साथ देते। जग हसाई तो होती ना बेटा, लोगों को एक मौजू मिल जाता हंसने के लिए, खूब नमक मिर्च लगाई जाती। वैसे भी जब से तुम्हारा मेडिकल में एडमिशन हुआ है वो पड़ोस वाली आंटी हमसे जली रहती हैं, फजूल की दुश्मन हो गई हमारी। मैं तो पहले ही कहता था
कि मुझे महमूद पर केस करने दो, लेकिन तुम लोगों ने मिलकर फैसला किया कि उसे खुद ही सुलझाओगे। अदालत में जाकर बात करता तो होश ठिकाने आ जाते साहबजादे के। हाँ हाँ, आप तो अखबार में छपा दें पूरी कहानी। मैं ये सोच सोच के हलकान भी जा रही हूँ कि कैसे छुपाऊं लोगों से, और आपने के मामले को अदालत में लिए चले जा रहे हैं। भाई अगर उसने ये हरकत दोबारा की और जबरदस्ती घर में दाखिल हो गया तो तुम लोग क्या करोगे? मैं चौकीदार बन के बैठा रहा हूँ घर में। मुझे इस बातों से बहुत डर लगता है। अम्मा आप उनको फोन करके मना क्यों नहीं कर देती हैं कि वो आइंदा यहाँ नहीं आया करें? पागल हुई है क्या? मैं कैसे मना कर दूँ उसको? उसकी बीवी यहाँ रहती है, उसका हक है यहाँ आने का। अगर उसकी बीवी इस घर में ना रहे तो क्या मतलब? क्या तुम दोबारा सितवा पापा के पास जाना चाह रही हो? मैं उसकी बीवी हूँ और मैं इस घर में रहती हूँ, इसलिए वो यहाँ आके हंगामा करता है ना। अगर मैं उसकी बीवी ना रहूँ फिर वो किस रिश्ते से यहाँ आएगा? बेटा तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ, मैं अब उस घर में वापस कभी भी नहीं जाऊंगी। बेटा वो शौहर तो है तुम्हारा, अब कुछ भी हो ये रिश्ता तो कायम है ना। इस रिश्ते ने मुझे क्या किया अम्मा? मारपीट, बेइज्जती, कुछ और कहने की जरूरत रह गई है? अब मुझे महमूद से अलहदगी चाहिए हमेशा के लिए। बागीचे में बैठ के फल खाएंगे, अभी क्लिनिक में क्यों लेके जा रहे हैं मेरे को? मैं पता नहीं है, किसी बीमार की खिदमत करना कितने बड़े सवाब की बात है। ए, मेरे को भी आधे सर का दर्द रहता है, ये सवाब तू मेरी खिदमत करके भी कमा सकता है। अभी जरा एक केला। अगर तूने मुझे ज्यादा तंग किया ना तो मैं किसी नर्स से कह के तुम्हारे जिस्म में चार पांच बोतलें खून की निकलवा लूंगा। हाँ, किसी गरीब का भला ही हो जाएगा इसी चक्कर में। ये भला तू खुद क्यों नहीं कर देता है? वो अगर मेरे जिस्म में से दो चार बोतलें खून की निकलेंगी ना तो तेरे जिस्म में से दो चार ड्रम निकल आएंगे। तो ऐसा कर कि तू अपनी किडनी डोनेट कर दे, इंसान एक गुर्दे पे भी जी सकता है। ये आखिर तू चाहता क्या है, मेरे टुकड़े करने के मनचूबे क्यों बना रहा है? अभी तो मेरे शेरे के फूल भी नहीं खिले यार। तेरे शेरे के फूल मुरझा गए हुए हैं। अभी तू अंदर चलता है या मैं स्ट्रेचर पे लेकर जाऊँ? मैं नहीं जाऊँगा यार। तुम्हारा बाप भी जाएगा। चलो मैं अब जिंदा रहना चाहती हूँ सबा। जिंदा तो मैं भी रहना चाहती थी जेबी, लेकिन इतना बड़ा फैसला करने की हिम्मत नहीं थी मुझमें। मुझे तुम में अपना अंजाम नजर आ रहा है, मुझे तो हिम्मत करनी ही थी। लेकिन जेबी तुम्हारे अम्मी अब्बू के लिए तो ये बात कबूल करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, और तुम्हारे लिए भी। पता है जब मैं अकेले बैठकर सोचती हूँ तो मुझे वो लम्हे याद आ जाते हैं जब महमूद ने मुस्कुरा के प्यार से मुझसे बात की थी। मैं उसकी सारी ज्यादतियां भूलने लगती हूँ, लेकिन फिर मुझे अपने आप से लड़के खुद को बहुत मजबूत करना पड़ता है। एक बात कहूँ जेबी, तुम सोचने के लिए और वक्त ले लो, बाद में कुछ नहीं हो सकेगा। मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं समझौते के लिए आखिरी हद तक गई हूँ। अगर अब कुछ नहीं बचा सबा, इस रिश्ते को बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ बर्दाश्त किया है, सब कुछ सहा है, और सिर्फ एक कागज के टुकड़े से खत्म हो सकता है। नहीं देखिए, रिश्ते कभी भी अचानक से नहीं खत्म होते, बार बार चोट पड़ने से कमजोर पड़ जाते हैं।